हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टू नॉलेज। स्टडी टू नॉलेज में हम कवर करते हैं करंट अफेयर फॉर एचपीएस, एचपी लार्ज सर्विसेज, एसएससी, बैंक्स, पीओ, क्लर्क, आरबीआई एंड वेरियस स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के प्रीलिम्स के पेपर को करेंगे जो 2017 में हुआ था। जो व्यूवर इस चैनल पर नए आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज मिलती रहें और आप अपनी प्रिपरेशन में लाभ उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीति के किस राजा ने राजा रुद्रपाल के समय कुल्लू पर हमला किया और उसे अपने अधीन किया? तो ये किया था राजा राजेंद्र सेन ने। मंडी के किस राजा ने चांदी की मूर्ति बनाई और उसे नाम दिया माधोराय और उसे अपना सारा राज्य सौंप दिया? ये किया था सूरज सेन ने। महाराजा रणजीत सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच 20 जुलाई 1809 को संधि कहां पर हुई जिसमें कांगड़ा का किला और संधाता जिला लाहौर की सरकार को सौंप दिए गए? तो ये हुई थी ज्वालामुखी माता के मंदिर में। 8 फरवरी 1889 के भारत सरकार के पत्र में किन राजाओं को दरबार में बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था मंडी, सिरमौर, कहलूर और बुशहर रियासतों के राजाओं को। सितंबर 1815 में केउंथल के राजा को सनद प्रदान की गई, इसके अनुसार किन दो रियासतों को उसके अधीन किया गया? तो ये किया गया था ठियोग और घुंड को। सिरमौर के किस राजा ने अपनी राजधानी कलसी से राजपुर की? तो ये की थी कर्म प्रकाश ने। मंडी रियासत का कौन सा क्रांतिकारी 1914-15 के मंडी षड्यंत्र के बाद बद्रीनाथ चला गया और वहां पर स्वामी कृष्णानंद के नाम से रहने लगा? तो ये थे हरदेव। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रामीण का परसेंटेज सबसे कम है? तो ये है हमीरपुर में। आरटीआई रूल 2006 के अनुसार हिमाचल में 30 मिनट के लिए रिकॉर्ड्स की इंस्पेक्शन के लिए कितनी फीस है? तो ये है 20 रुपए। 1 शहर के नजदीक कौन सा डेरा या मंदिर है? तो इसका राइट आंसर है डेरा बाबा बड़बाग सिंह। 1956 में टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव में 41 में से डबल मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी थी? तो ये थी 11। किस बौद्ध मठ को हिमालय का अजंता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताबो मोनेस्ट्री को। कांगड़ा का कौन सा राजा नोखू नाम की गद्दन युवती के प्यार में पड़ गया था? तो ये संसार चंद पड़ा था। सिरमौर जिले का वह कौन सा स्थान था जहां अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ? तो ये हुआ था जैतक हिल्स। बघाट के किस राजा ने अंग्रेजों को कालका शिमला रेलवे लाइन के लिए और सोलन और कसौली कैंटोनमेंट्स के लिए जगह दी? तो ये दी थी राजा दलीप सिंह ने। जस्टिस मेयर चंद महाजन कांगड़ा जिले के किस गांव से संबंध रखते थे? तो ये रखते थे नगरोटा खिंडरी। रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? तो ये था परुषणी। कौन सी पर्वत श्रृंखला किन्नौर और स्पीति को
तिब्बत से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर है डी जांस्कर। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो ये है शिला, किन्नौर में है ये। कौन सा पर्वत दर्रा कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है रोहतांग। जियोग्राफिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है पटोलेमी। हिमाचल में किस त्योहार पर पशुओं को आराम दिया जाता है और जोता नहीं जाता है? तो ये किया जाता है हरियाली। 1977 में हिमाचल विधानसभा कब डिसॉल्व की गई थी और प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था? तो ये की गई थी 10 मई को। किस सेंचुरी को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में मर्ज कर दिया गया है जो कुल्लू जिले में है? तो ये किया गया है सेंज को। ₹2015-16 में निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के किस भाग में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर है रियल एस्टेट ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग्स एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। कौन से सेक्टर का सबसे ज्यादा हिस्सा है हिमाचल में बिजली उत्पादन में? तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल एंड जॉइंट सेक्टर। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को किस स्कीम ने रिप्लेस किया है? तो इसका राइट आंसर है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। हिमाचल प्रदेश में शौचालय बनाने के लिए एक एक परिवार को कितना धनराशि मिलती है? तो ये मिलती है ₹12,000। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए किस आयु वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है 18 से 50 वर्ष के लोग। अटल पेंशन योजना में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के उन लोगों को कितनी राशि देनी होगी जिन्होंने 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच इस स्कीम को ज्वाइन किया है? तो इसका राइट आंसर है ₹1,000 प्रति ईयर। भारत की रक्षा मंत्री कौन है? तो उसमें थी निर्मला सीतारमण और प्रेजेंट में है अमित शाह। 1993 के मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में किसे मौत की सजा सुनाई गई है? तो ये सुनाई गई है ताहिर मर्चेंट को। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद को कब संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर है 11 सितंबर 1893 को। अहमदाबाद की फेमस सीडी सईद मस्जिद, जिसे जालीवाली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, कब बनी थी? तो इसका राइट आंसर है 1572 ईस्वी को बनी थी। भारत का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2017 में कितना रैंक था? तो ये था 103 और प्रेजेंट में है 115। वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? तो ये है राजीव कुमार। 508 किलोमीटर के प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के रूट में किस राज्य में सबसे ज्यादा किलोमीटर बुलेट ट्रेन आएगी? तो ये आएगी महाराष्ट्र में। भारत के पहले गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने जीरो का वर्णन किया था? तो ये किया था ब्रह्मगुप्त ने और इसकी खोज की थी आर्यभट्ट ने।
बॉयविला किस स्थान पर है जहाँ सिस्टर निवेदिता, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, उनका निधन हुआ था? तो ये है दार्जिलिंग में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन पूरे भारत में रैली का आयोजन कर रहा है और बता रहा है कि जल स्रोतों में सीवेज डालने से पहले उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए? तो ये है गुरु सतगुरु। भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल सीमा किससे लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश से। किस नेशनल लीडर के नाम पर फरुखाबाद हॉस्पिटल, जहां पर 49 बच्चे मर गए थे एक महीने के अंदर, उसका नाम रखा है? तो ये रखा है राम मनोहर लोहिया के नाम पर। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल याद करने के उपलक्ष्य में हो रहे सेमिनार्स की थीम क्या है? तो ये है संकल्प से सिद्धि। ২০১৬ में कपास का सबसे लार्जेस्ट बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये है गुजरात। सितंबर 2017 में फ्लोरिडा यूएसए में आए तूफान को क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है इरमा। बेलारूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका राइट आंसर है एजी लुकाशेंको। म्यांमार में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? तो ये बुद्धिस्ट रहते हैं। यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स कौन है? तो ये थे जैद राद अल हसन उस टाइम पे, और अभी प्रेजेंट में हैं मिशेल बैचलेट, जो चिली की हैं। सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ये थी हलीमा याकूब। युकिया अमानो, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुखिया हैं, किस देश से संबंध रखते हैं? ये रखते हैं जापान। यूएसए का कौन सा शहर 2028 ओलंपिक होस्ट करेगा? तो ये करेगा लॉस एंजलिस। 2020 के होंगे टोक्यो में, और 2024 के हो रहे हैं होंगे पेरिस में। हिलेरी क्लिंटन के अलावा राष्ट्रपति उम्मीदवार ने पॉपुलर वोट जीता, लेकिन राष्ट्रपति का कार्यालय हार गए? तो ये थे अल गोर। रोड्रिगो डुटर्टी कौन है? तो ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। नासा के उस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है जो 20 साल की शनि ग्रह की यात्रा पूरी करेगा सितंबर 14-15-2017 को? तो ये था कसीनी। ग्लोबल बर्डन रिपोर्ट 2016 के अनुसार किस देश के 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर है इंडिया। मक्का किस स्थान पर है जहां मुस्लिम हज के लिए जाते हैं? ये है सऊदी अरेबिया में। सितंबर 2017 में 9वां ब्रिक्स समिट कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था जियमन, चाइना में। 2019 का हुआ था ब्राजील में। किस यूरोपीय देश ने बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया, जिसे यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने अपहेल्ड रखा है 10 जुलाई 2017 को?
तो ये लगाया था बेल्जियम ने। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की लिस्ट में कितनी सिटीज हैं अभी तक? तो ये थी 250। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन या उसका समापन किया जाता है? तो ये किया जाता है आर्टिकल 169। भारत के किस कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू की पावर इंजॉय की जाती है? तो ये की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। राज्यसभा का कोरम कितने प्रतिशत होता है? तो ये होता है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का फंक्शन क्या होता है? तो ये होता है टू रिकमेंड द टाइम अलॉटेड टू डिफरेंट हेड्स। गवर्नर इनमें से किसे अपॉइंट नहीं करता? तो ये नहीं करता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स को। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 डी के तहत पंचायती राज में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में। तो ये राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित में से भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुरूप कौन सा सही है? तो इसमें है इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है वन ओनली। आर्टिकल 19(1)(b) इज रिलेटेड टू पीसफुल असेंबली ऑफ सिटीजन विदाउट आर्म्स। निम्नलिखित में से कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है? तो ये करते हैं सभी निर्वाचित सदस्य पार्लियामेंट के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। निम्नलिखित में से क्या क्राइटेरिया है पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए? तो इसका राइट आंसर है एनी ऑफ द अबव। इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टी 6% वैलिड वोट प्राप्त करती है असेंबली या लोकसभा इलेक्शन में, चार या उससे ज़्यादा स्टेट्स में, या फिर एक पार्टी 2% वोट लोकसभा सीट्स जीतती हैं कम से कम 3 स्टेट्स में से, या फिर एक पार्टी कम से कम 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी है। तो किस वायसराय ने भारत में पहला फेमाइन कमीशन लाया था? तो ये लाया था लॉर्ड लिटन ने। किस एक्ट के अनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ब्रिटिश खजाने से सैलरी मिलने लगी? तो इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। निम्नलिखित में से किसने लड़कियों की विवाह आयु बढ़ाने का विरोध किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे बद्रुद्दीन तैयब जी। यह किसका कथन है कि वेदांत हिंदू आध्यात्मिक अधिकार की सही अभिव्यक्ति है? तो ये किया था विवेकानंद ने।
नेहरू रिपोर्ट को ऑल इंडिया पार्टीज कॉन्फ्रेंस में किस स्थान पर फाइनलाइज किया गया था? तो ये किया था लखनऊ में। भाई परमानंद ने कौन सी संस्था बनाई थी? तो ये की थी जटपट टोडक मंडल। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने सबसे पहले भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही थी? तो ये कही थी लॉर्ड इरविन ने। तीस जनवरी को किसने आत्मनिरीक्षण दिवस कहा? तो ये कहा था विनोबा भावे ने। कैबिनेट मिशन के चेयरमैन का पद क्या था 1946 में? तो ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। पेनिसिस यूरोप, अपलचेन अमेरिका और अरावलीज किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये हैं ओल्ड माउंटेन्स। निम्नलिखित में से भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। सीनोजोइक ईरा में क्या हुआ था, कौन से इवेंट्स हुए थे? इसका राइट आंसर है फॉर्मेशन ऑफ रॉकीज, इंडिया कोलाइड्स विद एशिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय। स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेगमाइट्स क्या है? तो ये है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इन द कास्ट रीजन। ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है तीस्ता रिवर को ज्वाइन करने के बाद? तो यह हो जाता है जमुना। जादूगुड़ा यूरेनियम की खान किस भारत के राज्य में है? तो ये है झारखंड में। निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से चीनी की पैदावार में दक्षिण भारत में उत्तरी भारत के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर है डी है इसका राइट आंसर। इसका मतलब है यहां पर एकड़ गन्ने की ज्यादा पैदावार होती है, गन्ने में सुक्रोज कंटेंट ज्यादा होता है और यहाँ पे लंबा क्रशिंग पीरियड होता है। झूम कल्टीवेशन के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है इसका मतलब है यह आसाम में होती है, इसे स्लैश एंड बर्न टेक्निक कहा जाता है और इसमें एक साल में फर्टिलिटी एग्जॉस्ट हो जाती है। ये तीनों ही सही है इसमें। निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से जूट आयोग उद्योग में वर्तमान संकट के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं? तो इसका राइट आंसर है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है मणिपुर में। २०११ की जनगणना के अनुसार कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, लोएस्ट एससी पॉपुलेशन हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सी सेक्टर की आइटम्स जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है? तो इसका राइट आंसर है लग्जरी कार्स, माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर है लैंड एंड रियल एस्टेट्स। 2016-17 में भारत का एक्सपोर्ट एशिया में कितना बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 8%। सीएसओ के अनुसार भारत की इकोनॉमी पहले क्वार्टर में 2017-18 के कितने परसेंट ग्रो की है?
तो इसका राइट आंसर है 5.7%। 2017 के बजट एस्टिमेट्स के अनुसार रेवेन्यू डेफिसिट भारतीय सरकार का जीडीपी के कितने परसेंट होगा, तो इसका राइट आंसर है 1.9%। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर है ओनली टू इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी आइटम्स सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसपे, तो ये होता है इंटरेस्ट पेमेंट्स में सबसे ज्यादा हिस्सा रेवेन्यू का यूज होता है। 1000 और 500 के नोट्स कितने मनी सप्लाई में थे, कितने परसेंट थे ये, जिन्हें 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइज कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर है 86% थे ये। 2016-17 में भारत का एक्सपोर्ट एशिया में कितना बढ़ा है, तो ये बढ़ा है 8%। भारत में आयात होने वाली वस्तुओं पर कौन सा जीएसटी लगेगा, तो ये लगेगा आईजीएसटी। तो ये था 2017 का हिमाचल प्रदेश का असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का प्रीलिम्स पेपर। आई होप यू हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम दिस। थैंक यू वेरी मच।